गाइस वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज हम आए हुए हैं फरीदाबाद के सूरज कुंड के मेले में। मेले का आखिरी दिन है और हर साल फरवरी में ये लगता है। यहाँ पे ये गेट नंबर 1 से हमने एंट्री की है और लास्ट डे है, तो यहाँ पे बहुत भीड़ है आज। फ्रेंड्स स्टार्टिंग में जैसे हम जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मतलब खाने पीने के स्टॉल दिखाई देते हैं, अचार की शॉप, ड्राई फ्रूट्स की, और ये आनंदा का वहाँ पे रबड़ी खीर वगैरह ये सब थी। और इसके बाद जो है आगे चलते हैं तो कल्चरल प्रोग्राम होते हुए दिखाई देते हैं। फिर हम आगे गए और ये यहाँ पे सारा जैसे गांव का माहौल होता है उस तरीके का होता है। और यहाँ पे ये दुपट्टे साड़ियाँ, ये वाला दुपट्टा जो है 1250 का बताया था, कॉस्टली है काफ़ी चीज़ें वहाँ पे। और फिर ये पीतल की मूर्तियाँ यहाँ पे। इसके बाद थोड़ा और अंदर चलते हैं तो यहाँ पे ये देखिए मिट्टी के ये बर्तन हैं, कप, सब्जी रखने वाले डोंगे वगैरह सब ये मिट्टी के बर्तन मिल रहे थे। ये जो है गर्म सूट्स वगैरह, थोड़ा और सूट हैं जो काफ़ी फिटिंग है। अब यहाँ पे ये जो पहले हम देखते थे उस टाइम के, ये मतलब इसमें जो अंदर जो दिखता है छोटा सा टीवी टाइप, वो मेरी बेटी ने देखा, जो खूब इंजॉय किया। इसके बाद यहाँ पे देखिए चीनी की मिट्टी के बर्तन हैं, जो कप वगैरह, और ये झूले होते हैं जिन पर मतलब बच्चों को भी झूला सकते हैं अपने, कालीन वगैरह काफ़ी खूबसूरत हैं ये भी यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो है खाने के जो स्टॉल वगैरह आगे आते हैं, राजस्थानी अलग अलग राज्यों के खाने आपको मिल जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे बॉक्स हैं, ये 100 रुपीज़ के बॉक्स मिल रहे थे, ये छोटे वाले 50 रुपीज़ के, इसमें आप ज्वेलरी वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। इसके बाद ये यहाँ पे लाख के चूड़े, ये देखिए जो इस वर्ग के जो है सूट, और ये लकड़ी के आइटम, चाबी के छल्ले वगैरह, और ये पीतल की भगवान जी की मूर्तियाँ हैं यहाँ पे, और ये लकड़ी पर मतलब बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग की गई थी। और ये फिर से मिट्टी के बर्तन आ गए थे, और ये यहाँ पे जो है मिट्टी की ही ये जो सीटी होती है ये बिक रही थी, 50 रुपये की एक थी ये। और इसके बाद ये यहाँ पे देखिए मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे जो मिट्टी के से कारीगरी की हुई काफ़ी अच्छे अच्छे घर में सजाने वाले सामान थे। क्राफ्ट मेला है तो यहाँ पे ज़्यादातर सब हाथ से बनी हुई चीज़ों की ही चीज़ें मिलती हैं। ये देखिए गणेश भगवान की मूर्ति, और ये आगे की साइड सब ये लकड़ी से ही बने हुए, लकड़ी पे मतलब कटिंग की हुई है। उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान के भी स्टॉल लगे हुए थे। मैंने यहाँ पे जो कल्चरल एक्टिविटी हो रही थी उनके साथ अपनी वीडियो बनाई थोड़ी सी। इसके बाद ये क्राफ्ट का जो सामान है घर में सजाने वाला, ये पैन स्टैंड, और ये थी स्टैंड, और बैंगल्स हैंगिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी अच्छे रेट पे, क्योंकि लास्ट डे का अच्छे रेट पर मिल रहे थे। और ये जो है फ्लावर पॉट, और ये फ्लावर जो है कागज़ वाले। बाद हरियाणा के जो राज्यपाल थे वो यहाँ से यहाँ पे आए थे, और ये टॉयज भी यहाँ पे 100 के आसपास थे। फिर यहाँ पे नीचे की साइड झूले वाले मेला लगा हुआ था, फिर हम वहाँ की साइड गए, मतलब शाम के टाइम हो गए थे, लाइट भी काफ़ी जल गई थी, काफ़ी यहाँ पे गेम्स वगैरह भी थी। और ये भूत बंगला सामने इस 100 या 150 ये 900 भी थी, और ये अचार वगैरह फिर से। और फ्रेंड्स ये मेरा बेटा है, इससे मिलाती हूँ। तो हम सूरजकुंड से वापस आ गए हैं और अब हम आपसे शेयर करने वाले हैं जो हम सामान लाए हैं। सो गाइस ये है लॉन्ग स्कर्ट, तो ये एक स्कर्ट ली थी मैंने, एक ये ज्वेलरी बॉक्स लिया था, एक का लास्ट दिन था तो मतलब ठीक टाइम पे मिल गया सामान। एक ये हैंगर है, इसको इस तरह से टांग देते हैं तो यहाँ पे आप कोई अपना सामान टांग सकते हैं। पैन स्टैंड लिया था, ये भी लकड़ी का है। एक ये बैंगल हैंगर्स है, इस पे आप अपनी बैंगल्स टांग सकते हैं, तो ये मतलब कि ये भी लकड़ी का ही है और काफी बड़ा है ये। पहली मेरी बेटी ने ली थी, स्टिक ली थी बहुत सारी। एक ये जो हैंगिंग है जो दरवाजे पे टांगते हैं तरीके से,
ये नींबू का खट्टा मीठा अचार ये भी हमने लिए थे वहाँ से। ये एक किचन के लिए एप्रन, मैंने एक क्लच लिया है गोल्ड टच में है, ये इस तरह से इसमें चैन भी है, तो ये क्लच आप वेडिंग फंक्शन में इजीली कैरी कर सकते हैं अपना सामान रखकर। सो फ्रेंड्स ये मुझे 300 का मिल गया है। फ्रेंड्स एंड में जो सबसे मतलब खूबसूरत है वो है ये फ्लावर पॉट और ये जो कागज़ वाले जो फ्लावर्स हैं ये लिए हैं हमने वहाँ से, ये मतलब काफ़ी मिल रहे थे वहाँ पे और ये बहुत देखने में भी खूबसूरत हैं। फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो मेले की, अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर देना और शेयर भी करना साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।